नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम फिर से पार्ट 23 के बारे में। 23 के बारे में मैं बता चुका हूँ, पिलर टाइप ड्रिल मशीन उसका ये फिगर है, ठीक है, 23 वाले में। लेकिन मैं आज पूरे मतलब पिलर टाइप के फिक्स है, मतलब जो होते हैं फिक्स पिलर टाइप ड्रिल मशीन उसके सारे पार्ट और उसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला है पिलर टाइप ड्रिल मशीन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो केवल आपको इसमें ये दर्शा दे रहा हूँ कि इसके पार्ट ऑफ बॉडी कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ बॉडी में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पुल्ली लगी होती है, क्लियर, आपका ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हैंड व्हील हो यहाँ पे होता है दोस्तों, क्लियर, आपका ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद से आपका आता है दोस्तों ड्रिल चक आ जाएगा, ड्रिल बिट आ जाएगी, ठीक है, स्पिंडल आ जाएगा, हैंडल आ जाएगा, ये पिलर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर आ जाएगा दोस्तों, वर्किंग टेबल आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग टेबल के बाद इसके नीचे आपको देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपको ये ऊपर नीचे वाला रैक एंड पिनियन, इसमें लगा होता है दोस्तों रैक ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। बेस लगा होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, क्लाइम करने के लिए लगा होता है, ठीक है। ये आपके इमेज है उसका पिलर टाइप ड्रिल मशीन का, ठीक है। तो अब आपको हम के सीधे ले चलते हैं बेंच टाइप ड्रिल मशीन पर। यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। इसके पहले मैं 23 पार्ट में अभी बता चुका हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये 24 पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो 24 में बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन है आपका, पहले नंबर पे शुरू करता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। तो बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, तो इस मशीन को बेंच पर फिट करके क्या करते हैं दोस्तों, इस मशीन को बेंच पर फिट करके काम में लाया जाता है। इस मशीन के चक में ये जो चक होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये स्पिंडल है, इसके नीचे चक लगाया जाएगा, ठीक, चक में 13 मिलीमीटर साइज के, कितने दोस्तों, 13 मिलीमीटर साइज तक के ड्रिल है को पकड़कर सुराख कर सकते हैं इसके द्वारा, क्लियर। इसमें सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, इसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कह सकते हैं, कौन सा दोस्तों, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। अगर बात करेंगे स्पीड प्राप्त करने के लिए, तो इस मशीन के स्पिंडल पर एक स्टेप कोण पुल्ली इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर जो स्टेप कोण पुल्ली मैं तो इसके पहले पिलर वाले में पढ़ा चुका हूँ, लगी होती है। इस प्रकार के स्टेप कोण पुल्ली पर मोटर पर विपरीत दिशा में कार्य करती है, विपरीत दिशा में लगी होती है इसके, ठीक है, विपरीत दिशा में लगी होती है। और स्पिंडल पर कोण पुल्ली को बेल्ट द्वारा चलाया जाता है, और स्पिंडल पर ये जो यहाँ के ऊपर पार्ट है उसके यहाँ से लेके, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, सबसे ऊपरी पार्ट पर, यहाँ पर लेके देखे, यहाँ पर तो दो पुल्ली लगी होगी और उसमें बेल्ट लगा होगा, ठीक है, वह कोण पुल्ली को बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। इस मशीन में केवल हैंड फीड का प्रबंध किया जाता है, केवल क्या होता है, हैंड फीड का, क्या है दोस्तों, यहाँ पे हैंड फीड आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, बीच में स्पिंडल है और ये हैंडल है, ठीक है, हैंड फीड का प्रयोग इस पे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में बता दे रहे हैं दोस्तों। तो पार्ट ऑफ बॉडी में ये रहा आपका पुल्ली, मैंने बताया था, ठीक है, ये गार्ड है दोस्तों जो कवर लगा हुआ था, ये बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक गार्ड लगेगा और ये बेल्ट है, वे ग्रुप स्टेप पुल्ली इसमें लगेगी दोस्तों, और भी बेल्ट लगा होता है, क्लियर इतना। अब इसके बाद से यहाँ पे हैंड फीड होता है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे स्पिंडल लगी होती है वहाँ पे हैंड फीड रहेगा, ठीक है। और इसके बाद से ये वाला पीछे वाला भाग जो दिख रहा है ये आपका मोटर है, ठीक है। डेप्थ एडजस्टेबल कहाँ है, यहाँ पे जो लगा है ये दो कुछ देख रहे हैं इस प्रकार के, वो डेप्थ एडजस्टेबल है, मतलब गहराई नापने की, मतलब इस पर मार्किंग की गई होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से आप देखेंगे स्पिंडल क्लैंप, स्पिंडल क्लैंप जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा हुआ स्पिंडल क्लैंप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से स्पिंडल ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है वो स्पेंडल हो जाएगा। चक की बात करेंगे तो ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए जो यहां पे लगाया गया है वो चक हो जाएगी दोस्तों। रेगुलर वर्क टेबल की बात करेंगे तो यहां रेगुलर वर्क टेबल है दोस्तों। क्लैंप टेबल की बात करेंगे तो यहां क्लैंप टेबल हो जाएगा, ये टेबल को क्लैंप करता है दोस्तों, क्लियर। ये क्लैंप है मतलब जो वर्क पीस इस पे रख के काम करते हैं, ठीक है। मोटर की बात करेंगे तो यहां मोटर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। इसके बाद से अगर पार्ट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे बड़ा नीचे बेस किसी आई कास्ट आयरन का बना होता है, जो मैं पीलर टाइप ड्रिल मशीन के बारे में बताया हूँ जहाँ पे किस मटेरियल पर और कैसे काम करता है, सारे वैसे ही काम करते हैं सेम टू सेम, लेकिन फर्क ये है कि बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन बनावट होती है वो सब अलग अलग होती है। कालम टाइप में ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये बेस कास्ट आयरन का बना रहेगा, इसमें भी झिर्री रहेगी, नट बोल्ट लगा रहेगा और उस पर कस लेते हैं, ठीक है, बेंच वाइट टाइप पे, क्लियर दोस्तों। ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों वो हो जाएगा एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। ये क्या है, हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है जिस पर बड़े साइज तक के गहरे सुराख किए जाते हैं या ऑटोमेटिक फिट दी जाती है। इसके द्वारा क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिक फिट दी जाती है। इस मशीन में एक मजबूत आयताकार बॉक्स कालम लगा होता है, ये आयताकार बॉक्स एक कालम लगा रहेगा, ठीक है, इसमें जिस पर कैरिज फिट किया जाता है, जिसपे क्या करते हैं दोस्तों, कैरिज को फिट कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, कैरिज को फिट कर देता है। और इस कैरिज पर ऑटोमेटिक फिट लीवर लगे होते हैं, ऑटोमेटिक फिट लीवर लगे होते हैं, क्लियर। कालम को
कैरिज को कॉलम पर कहीं भी सेट कर सकते हैं, कैरिज पर कॉलम को कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैरिज के नीचे आयताकार वर्किंग टेबल, कैरिज के नीचे ये कैरिज है और इसके नीचे वर्गाकार है वर्किंग टेबल, ये है वर्किंग टेबल, ये आपका कैरिज वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। टेबल लगी होती है जिसके कॉलम पर अगर बात करेंगे तो जॉब की ऊंचाई के अनुसार एलिवेटिंग स्क्रू की सहायता से कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें लगा है एलिवेटिंग स्क्रू यहाँ पे, तो वो कहीं भी इसको क्या करते हैं दोस्तों, उठा के नीचे कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं, ये क्लियर कर सकता है। ये कॉलम टाइप जो ड्रिलिंग मशीन होती है क्या करती हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है, बड़े साइज के तथा गहरे सुराख करने के लिए ऑटोमेटिक फिट दी जाती है, इसमें क्लियर कर लीजिएगा ये, और मजबूत आयताकार बॉक्स कॉलम लगा होता है, ठीक है। यह कैरिज के द्वारा इसको फिट किया जा सकता है, ऑटोमेटिक फिट लीवर लगे होते हैं इसमें, कैरिज को कॉलम पर कहीं भी सेट कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रेडियल ड्रिल मशीन की बात करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं वो रेडियल ड्रिल मशीन है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार भारी जॉब को प्रशुद्ध सुराग करने के लिए उन्हें टेबल पर सेट करना कठिन होता है, इसीलिए उचित स्थान पर न होकर आउट हो जाते हैं, ठीक है। उचित स्थान पर न होकर क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। भारी कार्यों को प्रिसीजन ड्रिल होल करने के लिए यह मशीन डिजाइन की जाती है, डिजाइन की तरह दिख ही रहा है, डिजाइन की जाती है। ड्रिलिंग हेड को जॉब के ऊपर इच्छा अनुसार कहीं भी सेट कर सकते हैं, हेड के ऊपर जॉब के अनुसार कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब को बिना खिसकाए सुगमता आसानी से इसमें सुराख कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। इस मशीन को अगर देखा जाए तो कास्ट आयरन का बनाकर एक भारी बेस होती है, नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है बेस वो कास्ट आयरन का बना होता है, सिर पर पिलर लगा होता है, सिर पे क्या है दोस्तों, पिलर लगा होता है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहां सिर पे इसके देखिए पिलर लगा होगा, ठीक है। एक लंबा रेडियल आर्म लगा होता है इस पे, रेडियल आर्म इस पे क्या होता है, रेडियल आर्म यहाँ एक लंबा रेडियल आर्म जो लिखा हुआ है लगा होता है, क्लियर। इसके अतिरिक्त रेडियल आर्म को एलिवेटिंग स्क्रू के द्वारा इसको क्या करते हैं, एलिवेटिंग स्क्रू यहाँ है कस देते हैं, ठीक है, को रेक और पिनियन के द्वारा इसको क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, रेक और पिनियन के द्वारा सेट कर देते हैं। रेक और पिनियन की बात करेंगे दोस्तों तो मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए रेक और पिनियन इसमें लगाया जाता है, क्लियर दोस्तों। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, रेडियल आर्म में एक स्पिंडल हैड लगा होता है, रेडियल आर्म में एक स्पिंडल हैड लगा होता है, रेडियल आर्म की बात करेंगे तो एक स्पिंडल हैड लगा होता है, ठीक है, रेडियल आर्म के एक स्पिंडल हैड लगा होता है जिसमें कैरेज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैरेज भी कहेंगे, ठीक है, रेडियल आर्म यहाँ जो है, ठीक है, कैरेज हेड भी कहेंगे। कैरेज के साथ मोटर स्पेंडल फिट करते हैं, मोटर ये इलेवेशन एंड आर्म यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है, फिट करते हैं। कैरेज को रेडियल आर्म की पूरी लंबाई पर एक व्हील की सहायता से आगे पीछे चलाया जाता है, ठीक है। ये मोटर स्पेंडल जो देख रहे हैं वहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब एक व्हील की सहायता से इसको आगे पीछे क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है, और कार्य के अनुसार कहीं भी सेट करके इसे एक लीवर द्वारा कसा जाता है, कार के द्वारा कहीं भी इसे सेट करके एक क्या करते हैं कि एक लीवर के द्वारा इसको कस सकते हैं, ठीक है। और मशीन में हाथ और ऑटोमेटिक फीड प्रबंध रहता है, इसमें हाथ तथा ऑटोमेटिक फीड भी दोनों देख सकते हैं। कुछ मशीनों के साथ क्या करती हैं दोस्तों, वर्गाकार बॉक्स टाइप के टेबल उपलब्ध होता है, वहाँ यहाँ जो नीचे सबसे देख रहे हैं टेबल वर्गाकार टेबल है, जिसे छोटे जॉब पर सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर दोस्तों। इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो मोटर फॉर द एलिवेटिंग द आर्म, मतलब मोटर भी है एलिवेटिंग आर्म भी है, मोटर फॉर स्पेंडल यहाँ पे स्पेंडल भी है मोटर का, ठीक है। ड्रिल हेड है जो ड्रिल करने वाला है, यहाँ पे स्पेंडल है उसका हेड है दोस्तों। रेडियल आर्म मतलब सबसे लंबा आर्म है जो मतलब जॉब को सहायक देने के लिए काम करेगा, ठीक है। एलिवेटिंग स्क्रू मतलब कसने के लिए यहाँ पे गाइडवेज मतलब गाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है, रैक एंड पिनियन को। और कॉलम की बात करेंगे तो ये पूरा लंबा एक कॉलम हो जाएगा, ठीक है। टेबल की बात करेंगे कास्ट आयरन का, यहाँ टेबल लगा है, बेस करेंगे तो कास्ट आयरन का बेस बना होता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में। यहाँ पे जो फिगर इमेज दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है दोस्तों, गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में दिखाई दे रहा है। जब एक ही मशीन पर 2 से 8 स्पिंडल हेड एक पंक्ति में फिट हो उसे गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, ये गैंग ड्रिलिंग मशीन कहेंगे, ठीक है, क्लियर दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस हो गया, इमेज मैंने दूसरा ला दिया था। और ये है गैंग ड्रिलिंग मशीन दोस्तों, वो मतलब क्या है, मल्टी स्पिंडल, मतलब उसमें बहुत सारे स्पिंडल थे, ठीक है, अनगिनत स्पिंडल थे, ड्रिल बिट कई सारे थे, तो वो मल्टी स्पिंडल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक ही गैंग में की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही गैंग में मतलब एक ही गैंग में एक ही लाइन में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गैंग ड्रिलिंग मशीन, ठीक है।
गैंग ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। तो इसके बारे में बताते हैं, तो ये आपका इमेज जो बनता है वो गैंग ड्रिलिंग मशीन है। मतलब जब एक ही मशीन पर 2 से 8 हेड, 2 से 8 है, 2, 2, 4 इससे भी अधिक 8 हेड एक ही पक्ति में फिट हो, एक पक्ति में फिट है दोस्तों, तो उसे गैंग ड्रिलिंग मशीन है। और इसमें प्रत्येक हेड अलग अलग मोटर लगी होती है और अलग अलग टाइप के मोटर लगे होते हैं, लगा है दोस्तों देख लीजिए ठीक है। इसमें फीड अथवा पावर द्वारा फीड किया होती है, इसमें पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा दिया जाती है। इन स्पेंडल को अलग कर सामूहिक रूप से चलाया जाता है, इसके स्पेंडल को अलग कर सामूहिक रूप से चलाया जा सकता है और प्रत्येक स्पेंडल के स्पीड फीड को घटाया या बढ़ाया जा सकता है दोस्तों ठीक है। इस मशीन का कार्य एक लंबा वर्किंग टेबल, एक लंबा वर्किंग टेबल यहाँ दिख रहा होगा आपको, लंबा वर्किंग टेबल है जिसकी आवश्यकता ऊपर नीचे किया जा सकता है, ऊपर नीचे इसकी आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, किया जा सकता है। इस मशीन का प्रयोग अधिकतर उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए या ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जहां पे क्रमबद्ध ऑपरेशन कोई एक ही जैसा करना हो ठीक है, सीरियल करना हो, जैसे ड्रिलिंग है, काउंटर सिंकिंग है, रीमिंग है, टैपिंग है आदि को प्रत्येक ऑपरेशन के बाद जा पर स्पेंडल के नीचे दूसरे स्पेंडल के नीचे से गुजारा जाता है ठीक है। यहाँ मान लीजिए ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टैपिंग हो गया, कुछ और हो गया ठीक है, इस तरह के बारी 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 ये गुजारते जाते हैं, इससे कि हमारा समय बचत होती है, मास प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हमें लाभ मिलता है ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन, क्लियर दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जो देख फिगर देख रहे हैं दोस्तों ये है मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन है। इसके पहले गलती से मैं ये फिगर लगा दिया था, मल्टी मतलब बहुत सारे देखिए इसमें है ठीक है। मल्टी स्पेंडल मतलब यह मशीन उत्पादन मास प्रोडक्शन के कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्लियर। ये इसके द्वारा जहाँ पर एक साथ एक समय में बहुत से ड्रिल होल रीमिंग टैपिंग आदि कर सकते हैं ठीक है। इसमें इस मशीन में बहुत से स्पेंडल होते हैं, क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे स्पेंडल होते हैं जिसका संबंध एक मेन स्पेंडल से होता है। मेन स्पेंडल सबसे ऊपर, मेन स्पेंडल सबसे ऊपर होता है। इस मेन स्पेंडल को जो चाल होती है या फिर फीड जो देते हैं उसे मोटर के द्वारा देते हैं ठीक है। इस प्रकार के मेन स्पेंडल को चलाने से संबंधित इसमें सभी क्या होते हैं 8 से 10 स्पेंडल एक साथ घूमने लगते हैं ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, 8 से 10 यहाँ पे जो स्पेंडल लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 से 10 स्पेंडल इसमें एक ही साथ यहाँ जब राउंडिंग करेगा एक ही साथ घूमने लगेंगे ठीक है। इन सभी स्पेंडलों का आवश्यकता अनुसार साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं, आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे जिसकी होल करनी है, जो कि अधिक उत्पादन के कार्यों के लिए एक साथ कई सुराख करने कर देते हैं। और इस स्पेंडल का हेड पर लगी विशेष क्लैंपिंग डिवाइस द्वारा स्पेंडल को किसी भी स्थान में सेट कर सकते हैं ठीक है। ये डिवाइस जो लगी है क्लैंपिंग वाली डिवाइस कहीं भी किसी स्थान पर इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है। इसमें का जो शेष पार्ट बच रहा है पिलर टाइप ड्रिल मशीन दोस्तों, पिलर टाइप ड्रिल मशीन जो बच रहा है वो पार्ट हम क्या किए हैं 23 मतलब सबसे मतलब पहले इसका वीडियो बना चुके थे, वो आप देख के क्लियर कर लीजिएगा ठीक है। और इसके बाद से ये आपके सारे एक जगह बने और ये सारे क्या है दोस्तों, फिक्स टाइप ड्रिल मशीन है ठीक है। ये सारे फिक्स है दोस्तों, कहीं इधर उधर लेके भागा नहीं जा सकता है ठीक है। और वो इसके पहले मैं बताता एडजस्टेबल मतलब कहीं भी यहाँ वहाँ से उठा के काम कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।